हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे एडवांस फार्मा चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आप लोगों से बात करते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति की प्लेटलेट्स कम हो गई। तो प्लेटलेट्स कम हो गई मीन्स उसको डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया, ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो गई। तो जब डॉक्टर जांच करवाते हैं, जांच करवाने के बाद ही पता चलता है कि प्लेटलेट्स कम हो गए, हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो जानते हैं आखिर क्या है प्लेटलेट्स, क्या है हीमोग्लोबिन। तो बड़ा ही सिंपल भाषा में आप लोग समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या। तो बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन से एक और टर्म्स आगे चलते हैं, ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड ब्लड क्या है? ब्लड में सबसे ज़्यादा तीन पार्ट से बना होता है। एक तो प्लाज्मा होता है, सेकेंड WBC होता है, थर्ड RBC होता है। तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, RBC और WBC। RBC और WBC और प्लाज्मा, प्लाज्मा का क्या काम है और RBC का क्या काम है और WBC का काम है, आज स्पष्ट शब्दों में समझते हैं कि आखिर इसका रोल क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ब्लड होता है, अब हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है आप लोगों के शरीर में। तो एक वयस्क व्यक्ति के अंदर इतना ब्लड पर्याप्त होता है। और इसमें ही प्लाज्मा जो होता है, मान लीजिए किसी को 1 लीटर ब्लड लेकर के, 1 लीटर या फिर 250 ग्राम जो पैकेट आता है ब्लड का, उसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा प्लस WBC, सॉरी प्लाज्मा और प्लस प्लेटलेट्स। और WBC जो होता है, कुछ पार्ट WBC का होता है और उसमें से 1% WBC का होता है और बाकी 45%, यानी कि 44 से 45% RBC का होता है। तो पर आखिर प्लेटलेट्स क्या है? तो प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा, ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं अपने ब्लड, अपने शरीर के ब्लड में। अगर प्लेटलेट्स या WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, अगर इनकी कमी हो जाती है, वैसे आप लोगों को बता दें ये दिखता कैसा है। आप नॉर्मली आप देखना चाहेंगे, कभी आपके चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद आपने देखा होगा कई जगह जगह पर येलो स्पॉट टाइप के दिखने लगते हैं, कुछ येलो टाइप का द्रव निकलता है शरीर से और वो जहाँ पे जहाँ पे डैमेज पार्ट होता है वहाँ पे वो क्या होता है कि जम जाता है। जो जम जाता है उसी में ही प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं और वही प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि जो भी ब्लड हमारी बॉडी से, अगर मान लीजिए बाय द वे किसी कारणवश अगर शरीर से निकल जाता है या डैमेज होता है, डैमेज होने के बाद में वो ब्लड अपने शरीर से बाहर निकल रहा है, तो प्लेटलेट्स जो होती है वो उनको बांधने का काम करती है। तो प्लेटलेट्स जो बांधने का काम करती हैं, जिससे कि अगर हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम, अगर देखते हैं ब्लड से अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ज़्यादातर ये केस आपको थोड़ा सा एग्जांपल में बताऊं कि ज़्यादातर ये डेंगू के केस में ज़्यादा देखने को मिलता है। जब भी किसी व्यक्ति की प्लेटलेट्स अगर डाउन हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, मान लीजिए प्लेटलेट्स की जो रेंज वैल्यू है वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होनी चाहिए, ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्लेटलेट्स 1.5 लाख से नीचे अगर होती हैं तो वो किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और अपने तुरंत डॉक्टर की सलाह या परामर्श जरूर लें इसमें। तो जो 1.5 लाख से नीचे होती हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये डेंगू में आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति के नाक से खून आ रहा होता, किसी के कानों से खून आना होता था, कभी कभी देखते हैं मुंह से भी खून आना शुरू हो जाता है, जो ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये होता है इसलिए क्योंकि जो प्लाज्मा का काम होता है, अगर हमारी जो नसें होती हैं, ब्लड वेंस जो होती हैं, ब्लड वेंस में जब ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा होता है तो उसमें जो ब्लड को बांध के रखती है वो प्लाज्मा और प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन प्लस प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें बांध के रखती हैं ब्लड को। जब ये ब्लड को बांध के रखती हैं, अब जब जो चीज़ बांधने का काम करती हैं, मान लीजिए अगर किसी शरीर में
कोई नली है, किसी नली से अगर पानी जा रहा है और उसके ऊपर नली की कवरिंग जो है वो टूट जाए तो पानी क्या होगा, बहना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बहना शुरू हो जाता है तो उसमें बहना शुरू हो जाता है तो उसमें उसमें से क्या करते हैं कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वहाँ पे प्लेटलेट्स का रोल बहुत अदा करता है। तो ऐसे ही शरीर का जब ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो वो ब्लड जो होता है वो अपने नसें फाड़ के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो कभी देखा होगा आपने नाकों से, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है और कान से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये यही वजह है, इसी की वजह से, क्योंकि प्लेटलेट्स जो बांधे रहती हैं ब्लड को वो वहाँ प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। जैसे ही प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है जिसकी वजह से ब्लड बाहर फैलना शुरू हो जाता है, जैसे ही बाहर फैलता है वैसे ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से इसमें प्लेटलेट्स का बहुत अहम रोल अदा करती है। तो अगर प्लेटलेट्स किसी व्यक्ति की कम हो गई हो तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर के आप इसका तुरंत ट्रीटमेंट उपचार कराएं। और ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अगर जल्दी आपने करवा लिया तो किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी डैमेज जो प्लेटलेट्स डाउन होती हैं उसको क्योर किया जा सकता है। हो सकता है प्लेटलेट्स की कमी हो तो बाहर से कुछ इन्फ्यूजन के माध्यम से प्लेटलेट्स चढ़ाई जा सकती हैं जिससे कि पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो बहुत ही हेल्पफुल जानकारी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत की। अगर उसमें कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब और लाइक से हमें पता चलता है कि आप लोगों ने वीडियो देखा है, तो इससे क्या होता है कि हम आपका रिस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।